हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मिसिंग व्यू के बारे में बताऊंगा कि मिसिंग व्यू आप किस तरह से निकाल सकते हो। कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में दिए होते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू। एग्ज़ाम में दिए होते हैं, हमें साइड व्यू निकालने होते हैं। कभी साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिए होते हैं, टॉप व्यू निकालने होते हैं। कभी टॉप व्यू और साइड व्यू दिए होते हैं और फ्रंट व्यू निकालते हैं। तो आज मैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दिया हुआ है और साइड व्यू इसका निकालना है, तो मैं बताऊंगा कि किस तरह निकालना है। बहुत इजी तरीके से और सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिससे आपको आसानी से आ जाएगा और निकाल भी सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखें, बेल आइकन को दबाएं, तभी फर्स्ट आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी हो। चलिए चलते हैं। इसको बनाने के लिए अगर साइड व्यू ज्ञात करना है मिसिंग व्यू का, तो हमें इसको और इसको एक ग्राफ बनाने होंगे। चलिए ग्राफ देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है, कुछ इस तरीके से ग्राफ आपको बनाने होंगे। इस ग्राफ को बनाने के बाद ये हमारा डार्क लाइन होगा और ये हमारा हल्की लाइन होगी। इसी पर हमारा टॉप व्यू फ्रंट व्यू बनेगा। टॉप व्यू यहाँ, फ्रंट व्यू यहाँ बनेगा और साइड व्यू ठीक इधर हम बनाएंगे। इसको बनाने के बाद हम चलते हैं और इस पर ये ड्राइंग बनाते हैं जो वहां पर दिया होगा। ये ग्राफ बनाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ये जो एग्जाम में दिए होते हैं टॉप व्यू और फ्रंट व्यू सेम डायमेंशन से हम इस तरह बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है, मिसिंग व्यू निकालने हैं, यानी साइड व्यू। टॉप व्यू दिया हुआ है और फ्रंट व्यू दिए हुए हैं, हमें क्या निकालने हैं, साइड व्यू। तो हम कैसे निकालेंगे उसको, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये और ये बिंदु को हम या तो इस जो एंगल है यहां से हम 45 डिग्री के कोण पर हम एक लाइन खींचते हैं। चलिए क्या करते हैं, यहां से 45 डिग्री का कोण पर एक लाइन खींचते हैं। तो ये हमारा कितने डिग्री पर है, 45 डिग्री के कोण पर ये लाइन है, 45 डिग्री। ये 45 डिग्री पर है, अब हमें साइड व्यू निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस बिंदु को इस बिंदु में अटैच करेंगे। तो ये बिंदु ऑलरेडी अटैच है, फिर इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन को क्रॉस करेंगे, फिर इस वाली लाइन को इस लाइन को हम क्रॉस करते हैं और क्या करते हैं, नीचे की तरफ यानी डाउन की तरफ हम पूरे लाइन को हल्के लाइन से खींच देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इस लाइन से क्रॉस करते हैं। ये कुछ इस तरीके से, फिर हम क्या करते हैं, इस वाले लाइन को हम जो इधर की तरफ लाइन रहेगी हम इसको क्रॉस करते हैं, जो भी 45 डिग्री के लाइन पर, और इस वाले लाइन को भी हम क्रॉस कर देते हैं। ये हमारा लाइन इसको क्रॉस करता है एक पॉइंट, ये लाइन हमारा दो पॉइंट, ये लाइन हमारा तीन पॉइंट। इसको क्रॉस करने के बाद हम फ्रंट व्यू पर चलते हैं। ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम इस वाली लाइन से हम अटैच करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाला जो लाइन है हम नीचे की तरफ गिराते हैं और ये वाला लाइन हम, ये वाला लाइन इधर की तरफ ले जाते हैं और ये वाला जो पॉइंट है हम नीचे की तरफ गिराते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, इस वाली लाइन को हम आगे की तरफ ले जाते हैं। ये थोड़ा हल्के लाइन से होगा, ये हल्के लाइन से हम आगे तरफ ले गए, फिर ऊपर की तरफ हम लेके आते हैं नीचे की तरफ और इस लाइन पर हम मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से हम डार्क कर लेते हैं। इसको अभी हम डार्क कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा एक बॉक्स बन गया।
बॉक्स बनने के बाद ये हमारा बॉक्स बन गया। ये भी लाइन हम डार्क कर लेते हैं। ये हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने के बाद अब ये वाला लाइन हमारा क्या करेंगे, इधर की तरफ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम ये डार्क कर देते हैं। अब क्या करना है, ये वाला लाइन हमें यहां पर लाना है, क्योंकि अगर हम साइड व्यू से देखते हैं, अगर इधर से देखेंगे तो ये जो खाली है ये स्लॉट कटे हुए हैं। तो ये स्लॉट कटे हैं तो यानी यहां से हमें ये चीज नहीं दिखाई देगा। अगर साइड व्यू से देखते हैं तो हमें नहीं दिखाई देगा, और टॉप व्यू से देखते हैं तो टॉप व्यू में ये हमें स्लॉट की तरह हमें दिखाई देगा। अगर फ्रंट व्यू से देखते हैं तो यानी फ्रंट व्यू में ये दिखाया गया, दर्शाया गया होगा, यानी फ्रंट व्यू में ये पूरा दिखाई दे रहा है। ये स्लॉट हमें ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ये दोनों लाइन डार्क बने हुए। तो साइड व्यू से हम क्या करेंगे, जब भी देखेंगे साइड व्यू से तो हमें ये स्लॉट नहीं दिखाई देगा, बल्कि हमें इसे दर्शाने हैं। तो हमें क्या करते हैं, छुपी हुई वस्तुओं को दर्शाने के लिए हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस वाली लाइन पर नहीं खींचते हैं, तो इसे हम क्या करते हैं, इस तरह क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पर हिडन लाइन दे देते हैं। ये हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब ये हमारा इसकी लंबाई हो गई 50, यानी ये जो है जब ये क्रॉस करेगी और ये क्रॉस करेगी तो ये हमारा इस तरह घूमेगी, तो ये हमारा हो जाएगा 50, और ये हो गया इसकी लंबाई 40 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी आप देख सकते हो यहाँ से 20, इसकी हमारी 20 हो गई, क्योंकि ये हमारा 20 पर है, यानी ये 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है। तो कुछ इस तरह से डायमेंशन हम दे देते हैं। चलिए डायमेंशन दे देते हैं इसका। ये हमारा कुछ इस तरीके से डायमेंशन होगा, 50 और 40 का ये हमारा डायमेंशन होगा, और ये हिडन लाइन है तो इसे डायमेंशन दर्शाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिया होगा 20 mm। तो आप ये दर्शा दीजिए और ये दर्शा दीजिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने का है। अगर ये भी दर्शाना चाहते हैं तो 20 आप दर्शा सकते हो, जितना दिया है उतने हमें दर्शाने हैं, क्योंकि जो हमें टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में हमारा दिया होगा डायमेंशन, वही चीज हमें यहाँ पर दर्शाने होते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम मिसिंग व्यू ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इजी है, आप बस 45 डिग्री कीजिए और जो भी ये लाइन चलती है, ये वाली लाइन इसको क्रॉस करती है, वही हमारी लाइन नीचे की तरफ गिरेगी। और साइड व्यू से देखना होगा कि हमें क्या चीज दिख रहा है, यानी अगर हम इसको इधर से देखेंगे तो ये चीज स्लॉट कटी हुई है, इधर से हमें दिखेगा नहीं, तो यानी हमारा ये एरिया खाली होगा, यानी ये जो एरिया है वो हमारा खाली हो, यहाँ खाली है, और ये जो एरिया ये हमारा पूरी, अगर सामने से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बना होगा। तो अगर इसका ड्राइंग हम बनाते हैं आइसोमेट्रिक में तो कुछ इस तरीके से बना होगा, इसको आप देख सकते हो, ये होगा इसका ड्राइंग कुछ इस तरीके से बना होगा, जैसे हमारा फ्रंट व्यू कुछ तरह है, फ्रंट व्यू इस तरह दिया हुआ है, रफली बना देना। क्या है, फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से हमारा दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अगर फ्रंट व्यू इस तरह दिया है और टॉप व्यू क्या दिया है, टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिया है, तो हम क्या करते हैं, अब टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू में ये दिया है हमारा इसकी लंबाई 50, तो हम क्या करते हैं, ये फिर ये डाउन करते हैं
और ये कुछ इस तरीके से, और हमारा स्लॉट कटा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये जो सामने से फ्रंट व्यू दिख रहा है तो यहाँ पर स्लॉट कटा हुआ है कुछ इस तरीके से। और ये हमारा टॉप व्यू और ये हमारा मिट जाएगा। इसका ड्राइंग कुछ इस तरीके से होगा। अगर हम टॉप व्यू से देखते हैं तो ये टॉप व्यू हमारा कुछ इस तरीके से है, ये एरिया और ये एरिया कुछ इस तरीके से है। अगर फ्रंट व्यू देखते हैं तो फ्रंट व्यू में ये हमारा लाइन कुछ इस तरीके से मतलब डाई दिखाई देगा। अब साइड व्यू से देखते हैं तो साइड व्यू में कहाँ जाएगा, ये एरिया दिखाई देगा, ये एरिया और ये एरिया। अब हमें इसे भी दर्शाने हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हिडन लाइन से हम दर्शा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका हमारा आइसोमेट्रिक व्यू अगर बना के देखते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हमारा इस तरीके से भी हम साइड व्यू निकाल सकते हैं और इस तरीके से साइड व्यू निकाल सकते हैं। इसमें ऑल क्लियर है और हमारा जो डायमेंशन है कुछ इस तरीके से होगा। और लास्ट में आप ऑल डायमेंशन आ रही है mm लिख सकते हैं। और इसके बाद ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज करें, लाइक कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिस तरह आपको ये वीडियो आपको पहले पहुंच सके।